हमारा अगला रिएक्शन आएगा इसमें सबसे काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है रिएक्शन का एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। रिएक्शन में आपका की पॉइंट क्या होता है, दिस रिएक्शन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो आपका यहाँ पे भी रिएक्शन सीरीज में आती है एल्डोल और इसके और भी नाम आएंगे, से एल्डोल कैन बी इंट्रामोलिकुलर क्रॉस एल्डोल, यह हमारा रिएक्शन का क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। सब रिएक्शन में एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट पकड़ना पड़ता है। इसमें क्या है, दिस रिएक्शन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, मे बी एल्डिहाइड कीटोन्स, ये बनेंगे इस नेट रिएक्शन में। रिएक्शन कैसे होता है, अगर हम एग्जांपल लेंगे, सिंपलेस्ट एग्जांपल टेकन इज रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। हम दो मोल लेंगे CH3CHO का इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, पहले स्टेप में कंपाउंड बनता है CH3CHOH CH2CHO, इसको हीट करते हैं इन्हीं कंडीशंस के अंदर, तब क्या बनता है प्रोडक्ट यहां पर CH3CH डबल बॉन्ड CHO, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आपका बन गया इस रिएक्शन में प्रोडक्ट। इसका कॉमन नेम क्या है प्रोडक्ट का, क्रोटोनल्डिहाइड। इसका नाम क्या प्रोडक्ट का कॉमन नेम, क्रोटोनल्डिहाइड। तो ये नेट रिएक्शन लिखते हैं यहां पर डाइल्यूट NaOH के बाद हीट करने पर, तो ये आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है। क्वेश्चन मिलता है ये कि इसका रिएक्शन किया डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीट, राइट द रिएक्शन प्रोडक्ट। तो आपका ये आंसर होगा इस क्वेश्चन में, हीटिंग से पहले आपका बनता है प्रोडक्ट, इसको बोल सकते हैं ये अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है और हीट के बाद आपको बनता है ऐसे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा से क्यों बनते हैं, इसका रीजन होता है कि यहाँ पे जो एल्कीन बॉन्ड है और CO बॉन्ड में क्या रहता है, कंजुगेशन रेजोनेंस, बाय रेजोनेंस सच प्रोडक्ट विल बी स्टेबलाइज, कि बाय रेजोनेंस सच प्रोडक्ट विल बी स्टेबलाइज। इसलिए हम बोलते हैं एल्कीन बॉन्ड और CO में रेजोनेंस रहेगा, कंजुगेशन रहेगा, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट क्या होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं और फेवर होगा इनका फॉर्मेशन इस रिएक्शन के अंदर। समझ में आया। अब इसमें रिएक्शन कैसे होता है, इसमें क्या है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म उसको देखते हैं। यहाँ पर कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड कौन से कंपाउंड लेंगे, एल्डोल रिएक्शन इज गिवन बाय दोस कंपाउंड्स। इसमें कंडीशन क्या है रिएक्शन में, कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अभी हम टॉपिक हमारा जो रिएक्शन चल रही है, कौन सी रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर। तो यहाँ पर भी कंडीशन सेम है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच कंपाउंड कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और विच कंपाउंड कैन नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो इसमें कंडीशन क्या है रिएक्शन में होने के लिए, इस रिएक्शन में होने के लिए कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिन कंपाउंड के पास अल्फा एच होंगे वही कंपाउंड आपका ये वाला रिएक्शन को दे पाएंगे, सब कंपाउंड इस रिएक्शन को नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं, क्या इसका रीजन है, वो हम देखते हैं मैकेनिज्म के लिए। अच्छा यहाँ पर लिखा है डाइल्यूट NaOH मींस क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज अराउंड 10%, बट यहाँ पर केवल NaOH ही कैटलिस्ट नहीं हो सकता है, मेबी KOH और वी कैन हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वी कैन टेक सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट। मतलब हमें रिक्वायर्ड क्या है, डाइल्यूट बेसिक मीडियम एज कैटलिस्ट, क्योंकि अगर आपका कंपाउंड है कार्बोनेट लाइक सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट वो भी क्या होंगे सप्लाई कर सकते हैं रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैटलिस्ट NaOH KOH डाइल्यूट सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस बेस होना चाहिए, सिंपल कहने का मीनिंग ये है, और सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट ऐसे कुछ और भी कंपाउंड हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड OH का कंसंट्रेशन दे पाएंगे और इस रिएक्शन में हेल्प करेंगे, इस रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे मैकेनिज्म, देखते हैं रिएक्शन का कि रिएक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म शॉर्ट होता है यहाँ पे।
ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रिएक्शन वाला, तो इसको ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर है। अब इसमें कैसे होगा, देखो पहले क्या है हमारा बेस होगा OH नेगेटिव आयन, वो यहां से H प्लस ले लेते हैं, वाटर बन गया और CH2 माइनस CHO, ये बन गया आपका इनोलेट आयन, इसमें रेजोनेंस आता है तो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज आयन, और इन दोनों में से क्या है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है माइनस चार तो इट इज मोर स्टेबल, बट क्या हुआ पुअर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या हुआ बेटर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज सी पर है लोन पे है, तो जो अगला स्टेप होता है उसमें हम रिएक्शन करते हैं CH3CHO का, जिसमें ये अटैक करेगा इस न्यूक्लियोफाइल CH2 माइनस CHO, CH3O माइनस H, CH2CHO, फिर क्या हुआ वाटर से H ले लेंगे यहां पर, तो आपका बनता है पहला वाला प्रोडक्ट ये वाला CH3CHOH। अब इसको हीट करते हैं, यहां पर क्या होता है इट इज बेस कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, क्योंकि बेसिक मीडियम ही था यहां पर रिएक्शन में, तो नेट आपका लॉस वाटर का ही होगा और प्रोडक्ट आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये हुआ इस रिएक्शन का नेट मैकेनिज्म के पहले स्टेप में क्या हुआ डाइल्यूट NaOH या OH नेगेटिव H+ लेंगे कहां से अल्फा कार्बन से, इसको याद रखिए अल्फा कार्बन से H लिया और क्या बनाएगा कंजुगेट बेस कार्बन आयन, इसमें होता है रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन, और फिर क्या होता है इन दोनों के अंदर सेकंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, रीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट O के पास है माइनस चार्ज इस स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर ये अटैक करता है इस न्यूक्लियोफाइल, तो बच्चे पूछते हैं सर इसका अटैक क्यों किया इसका अटैक क्यों नहीं किया, सिंपल लॉजिक यार कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन सा एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लोन पेयर होगा या होगा माइनस चार्ज तो क्या होगा बेटर और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसमें जल्दी करेगा अटैक यहां पर, तो इसलिए आपका अटैक थ्रू कार्बन होता है नॉट थ्रू ऑक्सीजन। फिर एक बार ओ पाएगा माइनस चार्ज वाटर से एच ले लेगा OH का लॉस होगा, फिर ये बनता है हमारा पहला प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडोन, इसी को फिर आपका जो हीट करने पर क्या होगा डिहाइड्रेशन बेस कैटलाइज्ड मीडियम है OH एच लेगा अल्फा कार्बन से और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें क्यों रिक्वायर्ड होंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम कंपाउंड के पास, यहाँ पे हमें दो अल्फा एच चाहिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, दो अल्फा एच होना जरूरी है ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर एक ही अल्फा एच होगा तो रिएक्शन यहाँ पे जाकर रुक जाता है। दो एच क्यों चाहिए, देखो पहला एच रिक्वायर्ड होता है इनको टू फॉर्म न्यूक्लियोफाइल और सेकंड अल्फा चाहिए वाटर OH को एलिमिनेशन कराने के लिए वाटर का एलिमिनेशन करने के लिए, तो ये हुआ इस नेट रिएक्शन को। अगर हम देखना चाहेंगे इस रिएक्शन का एक होता है शॉर्टकट मैकेनिज्म, देसी मैकेनिज्म, कैसे होगा देसी मैकेनिज्म देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट लेना है उसके लिए, तो एक सिंपल तरीका है, एक हमारा मोल हुआ ये वाला, आप देखें दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, एक में हमें O निकालना है खाली नेट रिएक्शन के लिए और सेकंड कंपाउंड का हम क्या लेते हैं अल्फा कार्बन से दो एच निकाल रहे हैं, एक एच निकालेगा, ये हमारा सेकंड मॉलिक्यूल है इसका ये अल्फा कार्बन है, यहां से आपको दो एच निकालना है नेट रिएक्शन में, तो निकाल दीजिए, तो हमें क्या देगा प्रोडक्ट यहां पर डायरेक्ट देगा हीट वाला प्रोडक्ट है CH3CH डबल बॉन्ड, ये आएगा पहली मॉलिक्यूल से और सेकंड से क्या मिलेगा CH CHO, ये मिलेगा आपको सेकंड मॉलिक्यूल से ये वाला ग्रुप CH3CH डबल बॉन्ड,
CHCHO मिलेगा हमको सेकेंड मॉलिक्यूल से। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, अब हमको सपोज बनाना था प्रोडक्ट के डिहाइड्रेशन के पहले क्या होता, तो क्या करेंगे डिहाइड्रेशन के पहले बनाने के लिए, आप सिंपल ध्यान रखिए हमने क्या किया था, अल्फा एच से निकला था क्या हमने, अल्फा कार्बन से निकला था हमने एच, और बीटा कार्बन से हमने निकाला था OH ग्रुप, तो उल्टा कर देंगे बैकवर्ड में जाने में क्या करते हैं, अल्फा पे हम लगा देंगे H और बीटा पे OH ग्रुप CH3 OH और यहां पे H हो गया प्रोडक्ट। अगर हमको प्रोडक्ट लिखना है बिफोर डिहाइड्रेशन तो क्या करेंगे आप, ऐसे कर सकते हैं एड हाइड्रोजन टू अल्फा कार्बन एंड OH ग्रुप टू बीटा कार्बन। अगर हमको लिखना है प्रोडक्ट बिफोर डिहाइड्रेशन तो ये आपका सिंपल तरीका है ऐसे रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखने का विदाउट मैकेनिज्म, ये इसका एकदम देसी मैकेनिज्म, शॉर्टकट है, बहुत सिंपल तरीका है। बट ध्यान रखो अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन कौन सा है, उनसे ही आपको निकालना है। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ, चलिए मान लो हम अगला कंपाउंड लेते हैं यहाँ पर CH3CH2CHO, इसका लिया दो मोल्स, अगेन सेम कंडीशन डाइल्यूट NaOH, तो पहले प्रोडक्ट क्या देगा और आफ्टर हीट प्रोडक्ट क्या देगा, कैन यू गेस द प्रोडक्ट। आप एक बार इस क्वेश्चन को अपना ट्राई करो पहले, फिर अपना चेक करो आंसर को। देखिए इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए CH3CH2CH डबल बॉन्ड, सॉरी यहां पे OH लगा दीजिए, CH CH3 CHO, और क्या हुआ हीट करने के बाद डिहाइड्रेशन के बाद CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO, ये प्रोडक्ट लिखा मैंने डायरेक्टली विदाउट मैकेनिज्म। आप कहेंगे सर कैसे लिख दिया, तो भाई आपका जो देसी मैकेनिज्म था उसको लगा लीजिए। कैसे लगा देसी मैकेनिज्म, देखिए हमने क्या किया CH3 CH2 CH, आपका डबल बॉन्ड ओ था, राइट दिस वे, अब इसमें कौन सा अल्फा कार्बन होगा, CHO हमारा हुआ इसमें फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, हमें अल्फा कार्बन से दो एच निकालने हैं, इसको ऐसे लिखो स्ट्रक्चर हुआ यहां पर, अल्फा कार्बन से दो एच निकालने थे हमको नेट रिएक्शन के लिए, तो हमने यहां से निकाल दिया ओ और यहां से अल्फा कार्बन से दो एच निकाल दिए, तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट यहां पे रिएक्शन के अंदर, बन गए आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली इस रिएक्शन के अंदर। देख लीजिए यहां से हमने ओ निकाल दिया और यहां पे CH3CHO बचा रह गया, ये प्रोडक्ट हुआ डायरेक्टली ऑफ डिहाइड्रेशन। अब हमको लिखना था प्रोडक्ट बिफोर डिहाइड्रेशन, तो क्या करेंगे इसमें बिफोर डिहाइड्रेशन हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक पॉइंट था एड एच टू अल्फा कार्बन एंड OH ग्रुप टू बीटा कार्बन, ये आपका शॉर्टकट था आपका, तो अल्फा कार्बन तो इसमें ये था बीटा कार्बन, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, क्या बनता है प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आपका बनेगा हमेशा रिएक्शन के अंदर। तो अल्फा सी पर हमने ऐड किया H और बीटा पे ऐड किया OH, हो गया प्रोडक्ट बिफोर डिहाइड्रेशन। अगर आप लिखना पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म, तो पहले हम अल्फा एच को निकालते हैं सेम टाइप का, फिर क्या होगा CH3 CH2 CHO बनाएंगे और फिर इसमें CH- का अटैक करेंगे एज न्यूक्लियोफाइल, सॉरी अगर आप लिखना प्रॉपर मैकेनिज्म तो एक मोल से अल्फा एच निकालते तो ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल, उसका अटैक करेंगे यहां पर। तो आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा इसमें, प्रैक्टिस से आपका अपना सब चीजें आपको आ जाएंगे रूटीन में। O नेगेटिव बनेगा H आ गया और फिर CH CH3 CHO, बाद में क्या हुआ यहां से वाटर से H ले लेंगे, OH का एलिमिनेशन किया तो क्या बनेगा कंपाउंड A, कौन सा कंपाउंड A बन गया, फिर हीट किया वाटर एलिमिनेशन होगा तो क्या बन गया B कौन सा हुआ, ये वाला प्रोडक्ट B बन गया, हो गया आंसर। अगर आपको अप्लाई करना है मैकेनिज्म अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका हुआ विद मैकेनिज्म।
कि हमने एक अल्फा कार्बन से एच निकाला तो बनेगा कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड मोल में उसने अटैक करा एच न्यूक्लियोफाइल, और फिर ये बनेगा हमारा पहले ए बनेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और डिहाइड्रेशन के बाद हीट करने के बाद आपका बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर बी, लास्ट प्रोडक्ट ये बन गया। यहाँ पे ध्यान रखो प्रोडक्ट क्या बनता है, हमेशा प्रोडक्ट बनते हैं रिएक्शन के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब एक क्वेश्चन और ट्राई करो इसी पॉइंट को यूज करके, हमारा कंपाउंड दिया इस रिएक्शन में एसीटोन, इसको हमने रिएक्शन कराया डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, तो पहले कंपाउंड ए बनेगा और हीट किया तो बी बनेगा, तो इसमें क्या प्रोडक्ट होगा ए और बी, आपको इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है ए और बी को। तो एक बार अपना क्वेश्चन को ट्राई करो पहले, फिर अपना सॉल्यूशन चेक करो, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। चेक करते हैं, देखो यहां पर हमारा अगर हम लिखते हैं प्रोडक्ट है विदाउट मैकेनिज्म वो भी एक तरीका होता है, और इफ यू राइट विद मैकेनिज्म तो भी तरीका है, लेट अस राइट विद मैकेनिज्म। तो पहला पॉइंट वही था कि अल्फा एच हमने निकाल के कर रहे हैं इसमें, ये बनेगा इसमें कार्बन एन और न्यूक्लियोफाइल, इसका अटैक किया हमने सी के पास, सी एच थ्री सी ओ माइनस सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, वाटर से इसने एच लिया तो हमारा प्रोडक्ट बनता है ए, ए क्या होगा सी एच थ्री ओ एच ग्रुप सी एच थ्री सी एच सी ओ सी एच थ्री। अल्फा कार्बन से को एच एक और निकालना पड़ता है इसलिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। अब क्या होगा हीट करने पर अगेन इट इज बेस फर्टिलाइज्ड डिहाइड्रेशन यहां पर होता है, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा इसमें, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट सी एच थ्री सी एच थ्री डबल बॉन्ड, ये आपका देखो ना इफ यू टेक शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म वही सेम आएगा। अब यहां पे डबल बॉन्ड डाल देते बचेगा सी एच सी ओ सी एच थ्री। अगर आप देखते हैं इसको विदाउट मैकेनिज्म तो भी सेम कहानी थी, हमने एक से निकाला कार्बन कंपाउंड से ओ और सेकेंड मॉलिक्यूल से निकाले दो अल्फा हाइड्रोजन और दोनों को अटैच कर दिया, तो ये बनेगा हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बी। तो ये हमारा था कंपाउंड ए और ये बनेगा रिएक्शन का प्रोडक्ट बी, इसका कॉमन नेम होता है प्रोडक्ट बी का मेसिटाइल ऑक्साइड, प्रोडक्ट बी का बनेगा रिएक्शन के अंदर मेसिटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ ऑफ एसीटोन का रिएक्शन करने पर प्रोडक्ट बनता है। अब इस रिएक्शन के ऊपर हम कुछ और क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, अब हम इस रिएक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, यहाँ पे चार क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला स्टेप है डाइल्यूट NaOH ट्रीट किया बनाएंगे इंटरमीडिएट, फिर हीट किया तो आपका प्रोडक्ट बनेगा नेक्स्ट वाला, तो आपको सारे प्रोडक्ट बनाने इसमें क्या हुआ बिफोर हीट और क्या हुआ आफ्टर हीट, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो पहले और उसके बाद अपना सोल्यूशन चेक करिए। चलिए आपके आंसर पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो पहले अगर मैं अप्लाई करता हूँ इसमें शॉर्टकट मैकेनिज्म तो विदाउट मैकेनिज्म वी कैन एट द रिएक्शन प्रोडक्ट, क्या था उसमें सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच फ्रॉम फर्स्ट मॉलिक्यूल, और यहाँ पे अल्फा कार्बन से एच निकाल दिया, ये होगा अल्फा कार्बन एस दो एच निकाल दिए, तो क्या बचेगा इसमें यहाँ बचेगा सी एच ओ ग्रुप और यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री, ये आएगा प्रोडक्ट हमारा डिहाइड्रेशन के बाद। तो क्या होगा बिफोर डिहाइड्रेशन, तो ये हमारा था अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो अल्फा पे एच लगाना है और बीटा पे OH लगा देना है, तो प्रोडक्ट क्या रिएक्शन में सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच, ये बीटा कार्बन है यहाँ पे OH लग जाएगा, अल्फा कार्बन पे एच लगा दिया सी एच ओ, और यहाँ पे बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आपको ऐसे करके प्रोडक्ट लिखना काफी इजी रहेगा, अदरवाइज एक और तरीका है राइट द कंप्लीट मैकेनिज्म, आपको जो बढ़िया लगे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं इसमें ये वो हमारा एग्जांपल ये वाला, अब आते हैं इस सेकंड एग्जांपल पे, यहाँ पे भी आपको देखना है कि अल्फा इसमें प्रोडक्ट आपके डिफरेंट पॉसिबल हो सकते हैं, तो आई कैन मेक वन क्विडोन सिमेट्री ओके लेट इट बी,
तो यहाँ पर क्या होता है, जो ज्यादा अल्फा एस एसिडिक होते हैं उनको हम प्रिफर करते हैं निकालना बेस के प्रेजेंस में। तो यहाँ से आप ऐसे निकालेंगे, एक तरफ तो सेम रहेगा CH3 CH2 C1, और अगले मॉलिक्यूल में यहाँ पर हिंड्रेंस कम होता है तो ज्यादा एसिडिक एच यहाँ पर होंगे, तो यहाँ से एच निकालेंगे तो दो एच निकाल दीजिए, CH CO CH2 CH3। तो इस रिएक्शन के अंदर एक प्रोडक्ट बनेगा ये जिसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, तो ये अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन, तो CH3 CH2 बीटा पे OH लगा दिया और अल्फा पे H लगा दिया, हो गई कहानी खत्म। यहां पर क्या है, अल्फा कार्बन कोई सा ले सकते हैं आप, यहां पे ये अल्फा कार्बन से, तो अगर हम लेते हैं एक मॉलिक्यूल से निकाला O और सेकेंड मॉलिक्यूल से निकाल दिया हमने अल्फा कार्बन से 2H, ये आपका बनेगा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन के बाद। तो बिफोर डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां क्यूटोन ग्रुप रहेगा, अल्फा पे एच लगाया बीटा पे ओएच लगा दिया, यहां पर भी सेम टाइप की कहानी होगी, यहां पर हमने पीएच CH3 CH CO PH। तो वो यहां पर क्या होगा, बेंजीन के साथ में कंजुगेशन होता है तो हमको हीट नहीं करना पड़ता है, विदाउट हीट आपका प्रोडक्ट बन जाता है, और इसको हमको बनाने के लिए चाहिए होता है लो टेंपरेचर कंडीशंस। ये आपका डिहाइड्रेशन करेंगे जस्ट एट रूम टेम्परेचर, आपको डिहाइड्रेशन लगा उसमें हीट भी नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट ये बनेगा, इसके लिए डिफिकल्ट होता है बनाना, इसका रीजन क्या है, देखो सारे कंपाउंड में क्या है, रेजोनेंस होता है, अल्फा बीटा का मतलब ये होता है रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये सब कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन में सब में होगा रेजोनेंस। यहां पे क्या होता है, बेंजीन का कंजुगेशन आएगा, इसका कंजुगेशन है, इसका कंजुगेशन, सब ग्रुप आएगा कंजुगेशन में, तो भाई रेजोनेंस प्रोडक्ट इज हाईली स्टेबलाइज। तो अगर ध्यान रखो किसी भी केस में अगर अल्फा बीटा बीटा पोजीशन पर बेंजीन ने लगा होता है उस केस में रेजोनेंस और ज्यादा होगा, और ऐसे केस में हमको हीट नहीं करना पड़ता है, विदाउट हीट यहां पर होता है डिहाइड्रेशन का रिएक्शन हो जाता है, और इस रिएक्शन के अंदर हमारा ये बनेगा डायरेक्ट प्रोडक्ट, हमारा बनेगा इस रिएक्शन में ये वाला डायरेक्ट प्रोडक्ट। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा रिएक्शन था एल्डोल के सिंपल एग्जांपल्स होते हैं। अब आते हैं एल्डोल के मॉडिफिकेशंस पर, इन मॉडिफिकेशंस हमारा एक आता है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगला एग्जांपल है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या होता है, क्रॉस एल्डोल के अंदर अगर हमारे पास दो कंपाउंड है और दोनों में अगर अल्फा एच होंगे, दो कंपाउंड है दोनों में अल्फा एच होंगे, तो इस केस में हमारे पास चार प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CHO, ये एक एल्डिहाइड है, एक सेकंड एल्डिहाइड है CH2, मतलब CH3 CH2 CHO में एक है इथेनॉल एक है प्रोपेनॉल, इसका हमने रिएक्शन किया डाइल्यूट NaOH में और हीट कर दिया। तो इस रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, कैन यू टेल ऑल द प्रोडक्ट पॉसिबल, गैस करो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। इस रिएक्शन हमारे पास बनेंगे 4 प्रोडक्ट्स। कैसे बनेंगे 4 प्रोडक्ट, देखिए इसका अगर हम अप्लाई करते हैं मैकेनिज्म सिंपल तरीका है, तो इसमें ये अल्फा कार्बन है, यहां पर ये अल्फा कार्बन होंगे, तो क्या होगा इस केस में, अगर हम अल्फा कार्बन से एच निकाल दें तो क्या बनेगा, मैं इसको सिर्फ डायरेक्ट अल्फा निकाल के CH2 माइनस CHO एच न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर क्या बनेगा न्यूक्लियोफाइल CH3 CH माइनस CHO एच न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे रिएक्शन कौन सी पॉसिबल है, एक रिएक्शन सेल्फ पॉसिबल होगा रिएक्शन नंबर 1, एक रिएक्शन यहां पे इसका क्रॉस पॉसिबल होगा रिएक्शन नंबर 2 लिख दिया इसको मैंने,
एक रिएक्शन इसका सेल्फ का पॉसिबल है, थर्ड रिएक्शन, और एक रिएक्शन यहां पे पॉसिबल होगा, फोर्थ रिएक्शन। यहां पे चार टाइप के रिएक्शंस पॉसिबल होंगे और चार रिएक्शन हमारे पास बनेंगे, चार प्रोडक्ट्स। कौन से बनेंगे? अगर लेते हैं रिएक्शन नंबर वन में क्या प्रोडक्ट आएगा, ये एक तरह से सेल्फ एंडलॉन रिएक्शन है किस कंपाउंड का, ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो अभी हमने बनाया था प्रोडक्ट CH3, CHO से हमने O निकाल दिया और यहां से एक और H निकाल दिया, तो फाइनली CHCHO हमने हीट भी कर दिया साथ में, तो ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट A के अंदर। अब आप रिएक्शन वन में, रिएक्शन टू में क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो तो रिएक्शन टू में प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, यहां से हमने अटैक कराया तो यहां से O निकल जाएगा नेट रिएक्शन में, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहां से एक H और निकाल दीजिए तो बचेगा CH CHO। थर्ड रिएक्शन में क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये इसका सेल्फ एल्डोल रिएक्शन है प्रोपिनोल्डिहाइड का, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहां से एक H और निकाल देंगे तो C बचेगा खाली CHO और यहां CH3 आ जाएगा। और फोर्थ में क्या होगा, इसका अटैक कराया इसमें तो यहां से हम O निकालेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां से H एक और निकाल दीजिए तो ये आएगा रिएक्शन फोर्थ के अंदर प्रोडक्ट इस ए वाला। वो सिंपल तरीका है, इसमें प्रोडक्ट फोर्थ बनाए, चार प्रोडक्ट बनते हैं अगर दो कंपाउंड है और दोनों कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर हमारा रिएक्शन दिया है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में हमारे पास बनेंगे चार प्रोडक्ट्स। कौन से चार बनेंगे, आप ब्रस्ट और आंसर रिएक्शन 1 2 3 4, क्योंकि दोनों के पास ही अल्फा एच होंगे तो दोनों बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल, और फिर ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां भी हो सकता है और इसका अटैक यहां भी हो सकता है, इसका भी अटैक यहां हो सकता है सेल्फ में और इसका अटैक यहां पर भी हो सकता है। तो ऐसे हमारे बनेंगे चार रिएक्शन, लिखा है 1 2 3 4, और इन चार रिएक्शंस में हमारे बनेंगे चार प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए तो ये हमारा रिएक्शन हुआ क्रॉस्ड एल्डोल का। अब आते हैं हमारे पास आएगा इस रिएक्शन में हमको अगर सपोज सिंगल प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है तब क्या करेंगे। आते हैं, देखिए हमारा जो रिएक्शन होता है कैंपस में इन द क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, और अगर दोनों के पास होते हैं अल्फा हाइड्रोजन तो क्या बनता है प्रोडक्ट के अंदर, तो हमारे बनेंगे यहां पे चार प्रोडक्ट बनते हैं। अगर ऑलरेडी मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर हमारी रिएक्शन है CH3CHO का प्लस CH3CH2CHO का डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया पहले फिर हीट किया, तो यहां पे क्या बनेगा चार प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों कंपाउंड के पास क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो दोनों बनाएंगे कंजुगेट बेस या बनाएंगे कार्बन आयंस जो एक्ट करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल और वो अटैक करते हैं अपने खुद के मॉलिक्यूल के CO ग्रुप के पास या सेकंड मॉलिक्यूल के CO ग्रुप के ऊपर। तो इस अटैक से क्या बनता है, हमारे पास बनते हैं चार प्रोडक्ट। तो इसके हम कुछ लेते हैं मॉडिफिकेशन, इसमें कॉमन आता है मॉडिफिकेशन, उसका रिएक्शन का नाम ही चेंज होता है इस केस में। उसमें एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं सिंगल प्रोडक्ट हमको चाहिए, मान लीजिए कि हमको अगर रिएक्शन कराना है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और हमारा टारगेट है एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, तो उसमें क्या आता है मॉडिफिकेशन, यहां पर उसका नाम होता है रिएक्शन का क्या, क्लेसन स्मिट रिएक्शन, क्लेसन स्मिट रिएक्शन। नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप रिएक्शन देखेंगे इसका मॉडिफिकेशन होता है। इसमें हम करते क्या है, एक कंपाउंड लेंगे, लेट्स से यहां पर हमने लिया बेंजल्डिहाइड और सेकंड कंपाउंड लेते हैं कोई कीटोन या एल्डिहाइड, यहां पर डाइल्यूट NaOH ट्रीट करते हैं और इसमें हीट नहीं करना पड़ता है, विदाउट हीट एट 25 डिग्री सेल्सियस आपका प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के अंदर। तो यहां पर हम करते क्या है, दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड में क्या है नो अल्फा हाइड्रोजन, इस कंपाउंड के पास होंगे अल्फा हाइड्रोजन, इट हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, लेकिन हम क्या करते हैं इस रिएक्शन में इसका सेल्फ एल्डोल को प्रिवेंट करने के लिए, क्या इसके सेल्फ एल्डोल को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम ले लेंगे कंपाउंड को अमाउंट लेंगे इस कंपाउंड का क्या, यहां पर अमाउंट कम लेते हैं, इसको लेंगे एक्सेस में
एक तो ये ग्रुप एल्डिहाइड है, ज्यादा रिएक्टिव होगा, पहली बात। सेकंड बात, इसका अमाउंट कम है। तो एक सपोज आपका मॉलिक्यूल था, उसने बनाया कार्बेनाइन, तो वो ढूंढेगा कि ये कहां पे और मॉलिक्यूल है। तो एक तो क्या है, अमाउंट कम है इसका, और क्या होता है, कीटोन्स कम रिएक्टिव होते हैं फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो पॉइंट हमने ले लिया इस रिएक्शन के अंदर, इसका अमाउंट ले गए एक्सेस में, ताकि इस द मोमेंट जो यहां पे दिया है कीटोन, वो बनाएगा कार्बेनाइन, बनते ही इसमें अटैक कर देगा, बनते ही इसमें अटैक कर देगा, और क्या बनेगा यहां पर प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर, बिना हीट के ही आपका प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन में, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा विदाउट हीट। क्यों? देखो सिंपल पॉइंट है, जब कभी भी आपका बेंजीन रिंग कंजुगेशन आता है विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनल कंपाउंड्स, तो हमको यहां पर हीट नहीं करना पड़ता है, विदाउट हीट हमारा यहां पर रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बन जाता है। समझ में आया? मैकेनिज्म आपका सेम टाइप का है। देखो इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर हम देखते हैं OH नेगेटिव आयंस बेस होगा, अल्फा एच ले लेंगे यहां से, और फिर इसको हम रिएक्शन कराते हैं अगले कंपाउंड से, एल्डिहाइड से, देखो इसमें हमने दो पॉइंट यूज किए हैं रिएक्शन पे, और ध्यान से देखिए, फिर से सुन लीजिए मेरी कहानी, जो आपको अच्छा लग गया। सिंपल है कहानी, क्या है कि इस कंपाउंड का अमाउंट कम लिया, और क्या है कंपाउंड, ये कीटोन्स हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं, तो उनका जो सेल्फ हेल्डोल को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि आप कहेंगे सर चलो इसका रिएक्शन यहाँ पे हुआ, एक प्रोडक्ट बना, लेकिन इसका रिएक्शन सेल्फ हेल्डोल में क्यों नहीं किया, उसका रीजन है इसका अमाउंट कम लेते हैं। इसका अमाउंट लेंगे एक्सेस में, एक एल्डिहाइड है जिसका अमाउंट एक्सेस में है और ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, इसलिए आपका रिएक्शन इस तरह से फेवर होगा। और फिर क्या हुआ, इसका अटैक कराया इस न्यूक्लियोफाइल, वाटर से एच लेगा यहां पे, यहां पर वाटर का एलिमिनेशन करने के लिए हीटिंग हमको नहीं करना पड़ता है, ध्यान रखिए इस पॉइंट का, ये किसी भी रिएक्शन में अगर बेंजीन रिंग कंजुगेशन आता है इस सिस्टम के साथ, यहां पे ऑलरेडी रेजोनेंस होता है, देखो यहां पर रेजोनेंस ऑलरेडी है, इसलिए हमारा जो मेन पॉइंट था एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं रिएक्शन में, वो होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनल कंपाउंड्स, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट में क्या होता है, कंजुगेशन रहता है, रेजोनेंस रहता है, और प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इसी वजह से, और साथ में अगर बेंजीन भी आ जाएगा कंजुगेशन में तो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फेवर होगा, और कब फेवर होता है, बिना हीट के ही। जब भी ध्यान रखिए, बेंजीन रिंग कैन कम इन कंजुगेशन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यहां पर रिएक्शन हुआ डिहाइड्रेशन का, और हमारा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है क्लेसन स्मिट रिएक्शन। अगर यहां पे हम सपोज और लेते हैं एल्डिहाइड, तो वहां भी क्या होता है, इस अपना सेल्फ रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम सेकंड कंपाउंड लेंगे एक्सेस में, जिसमें अल्फा एच होंगे, उसका अमाउंट कम लेते हैं हमेशा, ताकि सेल्फ एल्डोल रिएक्शन को हम मिनिमाइज कर पाए अपने कंपाउंड का। तो इसका नाम होता है क्लेसन स्मिट रिएक्शन। एक हमने स्पेशली एरोमेटिक एल्डिहाइड, सेकंड कंपाउंड में अल्फा एच होने वाला, अमाउंट कम लेते हैं, और ये रिएक्शन नाम होता है क्लेसन स्मिट रिएक्शन। अब आते हैं हम अगले एग्जांपल्स में, एल्डोल में वो रिएक्शन होती है इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। रिएक्शंस कैन बी इंट्रा मॉलिकुलर, उसको लिखते हैं अगला। इंट्रा मॉलिकुलर, इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ऐसी रिएक्शन में ये कौन कंपाउंड देंगे रिएक्शंस, दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय
डाइएल्डिहाइड और डाइकीटोन्स, वी कैन कॉमनली कॉल देम डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। एक कंपाउंड के पास दो सीओ ग्रुप होते हैं, दोनों ग्रुप हो सकते हैं एल्डिहाइड हो या दोनों कीटोन हो, या एक एल्डिहाइड ग्रुप हो और एक कीटोन ग्रुप हो। तो गिवन बाई डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स, और क्या होता है, दिस रिएक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 5 to 6 membered rings, 5 to 6 membered rings। यहां पर जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन क्या होगा, साइक्लाइजेशन का, और क्या बनेगा इस रिएक्शन में, 5 to 6 membered ring। इस 5 membered ring से छोटा रिंग नहीं बनेगा, 4 membered ring नहीं बनता है because of angle strain। हाँ, 5 membered ring बनेगा, 6 membered ring बन सकता है, और even they can form 7 membered ring, but 5 से कम रिंग नहीं बनाएंगे इस टाइप के रिएक्शन में। अगर हम देखते हैं प्रेफरेंस वाइज, प्रेफरेंस देंगे हाईएस्ट टू 6 मेंबर्ड रिंग, फिर देंगे 5 मेंबर्ड रिंग को, और फिर देंगे 7 मेंबर्ड रिंग को। ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ये मान लो कि एक कंपाउंड के पास पॉसिबिलिटी है, या कुछ और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कि अगर उनके अंदर पॉसिबिलिटी है 6 मेंबर्ड रिंग बनाने का, या 5 मेंबर्ड रिंग बनाने का, या 4 तो बनेगा नहीं, 7 मेंबर्ड रिंग बनाने का, तो हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन को। उसके बाद अगर 5 और 7 के चांस होंगे तो हम प्रायोरिटी देंगे 5 मेंबर्ड रिंग को, ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं रिंग बनाने के लिए कंपेयर टू 7 मेंबर्ड रिंग। इसका रीजन क्या होता है, एंगल्स, एंट्रोपी रीजंस, कि जितना रिंग का साइज बढ़ाते रहेंगे तो उसके अंदर एंट्रोपी बढ़ता है, और एंट्रोपी बढ़ने का मतलब होता है उसका फॉर्मेशन फेवर नहीं होता है। इसलिए हम ट्राई करते हैं, सबसे प्रायोरिटी हायर होगा 6 मेंबर्ड रिंग का, फिर 5 मेंबर्ड रिंग का, और फिर होगा प्रायोरिटी 7 मेंबर्ड रिंग को। तो रिएक्शन कैसे होती है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, बेसिक रिएक्शन का बेसिक पॉइंट सेम है, कि पहले एक OH डाइल्यूट NaOH लेते हैं, उसी डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में पहले अल्फा एच को निकालते हैं, फिर बनता है कार्बेनायन, वो अटैक करेगा सेकंड CO ग्रुप में एज न्यूक्लियोफाइल, और फिर आपका रिंग बनता है, फिर हीट करने पर डिहाइड्रेशन होगा, सब कुछ सेम रहता है। मैं इसको सुना रहा हूं एक क्वेश्चन के थ्रू, मान लो एक कंपाउंड हमको दिया है, ऐसे करते हैं मैं क्वेश्चन में पार्टी लिख लेता हूं, एक कंप्लीट क्वेश्चन लिखता हूं। एक कंपाउंड हमारा दिया 6 मेंबर रिंग है, इसका हमने रिएक्शन किया ब्रोमीन इन सनलाइट, ये हमको दिया प्रोडक्ट ए, ए का रिएक्शन किया हमने एल्कोहलिक KOH से, बी देगा, बी का रिएक्शन किया हमने पहले ओजोन से, फिर अगला स्टेप होगा CH3 होल ट्वाइस सल्फर से, डाइमिथाइल सल्फाइड से, आपको देगा प्रोडक्ट सी, सी का रिएक्शन हमने किया डाइल्यूट NaOH, आपको डी देगा, हीट पे आपको देगा ई। ये हमारा सीक्वेंस एक हमको पूरा करना है इस रिएक्शन के लिए। तो इसको आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो अपने आप, उसके बाद सॉल्यूशन को आप चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, आपने होपफुली सॉल्यूशन को इसको कर लिया होगा, अब आते हैं इसके आंसर पे। देखो पहला स्टेप तो सिंपल है, यहाँ पे रिएक्शन है ब्रोमिनेशन सनलाइट, तो क्या होगा, कंपाउंड ए क्या आएगा इसमें हमारे पास, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, फिर एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, ये आपको देगा साइक्लोहेक्सेन, और जब इसका हम रिएक्शन करते हैं ओजोन से विद डाइमिथाइल सल्फाइड से, तब क्या प्रोडक्ट आएगा इसके, इसमें डाइएल्डिहाइड। ये हमारा कंपाउंड था ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब सी से हमारा जो ई बनता है नेट रिएक्शन में, ये हमारा हो जाएगा रिएक्शन एग्जांपल ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए कैसे होगा, इस केस में दो CHO ग्रुप है, दोनों ही का रिएक्टिविटी बराबर है, तो टेंशन कम है, एक साइड में अल्फा एच होंगे, अल्फा एच यहां पर भी है, दोनों इक्विवेलेंट है, यहां पर हमारे दो साइड में अल्फा एच है और दोनों अल्फा हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है इसमें। OH नेगेटिव आपके एच ले लेंगे यहां से किसी भी एक साइड से, वाटर का हमने एलिमिनेशन किया, और क्या बनेगा इस केस में हमारे पास, सी पेगा माइनस चार्ज, और यहां पर आपका बन गया न्यूक्लियोफाइल, फिर इसका अटैक कराया हमने इस कार्बन के पास, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड किया, ओ के पास जाएगा माइनस चार्ज,
तो यहाँ पे इसी स्टेप को हम बोल सकते हैं, ये कंपाउंड में दो सीओ ग्रुप है, दो सी एच ओ ग्रुप है, तो एग्जाम्पल कैसा हुआ, एग्जाम्पल ऑफ डाई कार्बोनिल कंपाउंड, उसका एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पर रिंग बनेगा इसमें, तो यहाँ पे आपका बनेगा फाइव मेंबर रिंग। अगर आपको डाउट होता है कि रिंग कैसे बन गया, तो आप एटम पे नंबर डाल दीजिए। इसको हमने नंबर वन कर दिया, नंबर टू कार्बन, थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन, कार्बन नंबर टू एंड सिक्स आपके जुड़ेंगे आपस में, टू का बॉन्ड बनेगा कार्बन सिक्स से, यहां पर जाएगा आपका ये कार्बन सपोज टू है, ये कार्बन नंबर सिक्स है, तो यहां पर आएगा ओ माइनस, एच तो है ये, और यहां पे कार्बन वन सी एच ओ ग्रुप, उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, सेम रखेंगे उसको, तो ये कार्बन नंबर वन है, यहां पे सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन नंबर टू, कार्बन थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर क्या होगा, वाटर से एच लेने के बाद सी एच ओ ग्रुप है, और यहां पे आपका जाएगा ओ एच ग्रुप, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा डी। डी कैसा हुआ देखिए, अल्फा बीटा, बीटा पे ओ एच ग्रुप लगा हुआ है और अल्फा पे सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ है, बीटा पे OH है, अल्फा पे सी एच ओ ग्रुप लगा हुआ है, फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं हीट करने पर, क्या होगा, अल्फा कार्बन से हमको एक और H निकालना होता है और बीटा से निकाल देंगे OH ग्रुप डिहाइड्रेशन स्टेप में, तो हमारा क्या आएगा प्रोडक्ट फाइनली रिएक्शन के अंदर, सी एच ओ ग्रुप डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट आपका सेम बनते हैं, कैसे बनते हैं सेम प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बना प्रोडक्ट आपके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और कैसा बना यहां पर सिक्स मेंबर ड्रिंक। तो यहां पर जो स्टेप आपका सी से ई बनाया हमने, ये हमारा सी से ई का जो फॉर्मेशन है ये आपको मैंने शो किया है विद मैकेनिज्म, इसी को हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और यहां पे क्या बना है फाइव मेंबर्ड रिंग बना है। आई होप आपको ये पॉइंट में आ गया होगा, एग्जांपल ये वाला। अब इस रिएक्शन को अगर हम आगे और एक्सटेंड कर लेते हैं तो उसको सोचते हैं, देखिए अगर हम सपोज इस रिएक्शन को आगे करते हैं ऑक्सीडेशन, यहां पर सॉरी ऑक्सीडेशन इसका हम रिडक्शन करते हैं, लेट्स से रिडक्शन विद H2 निकल केमिकल और गैस द प्रोडक्ट, ये मैं आपको क्वेश्चन एक्सटेंड कर रहा हूं, यहां पे CH2 OH ग्रुप, फिर इसको हम करते हैं ऑक्सीडेशन बाई KNO4, तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहां पे COOH, प्राइमरी अल्कोहल है, क्या बनेगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर उसको हम हीट करते हैं, किससे हीट करते हैं, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, तो क्या आपको देगा साइक्लोपेंटेन। तो अगर हमको सपोज क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेन टू साइक्लोपेंटेन, एक्चुअली क्वेश्चन यहां तक पूछा आपको ई तक, लेकिन आपका ये एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है मैंने, अगर क्वेश्चन दिया है कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन, रिंग साइज कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोटा करना है रिंग का साइज, हमको यहां पे साइक्लोहेक्सेन से बनाना है साइक्लोपेंटेन, उसमें आप इस रिएक्शन का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए हम इसमें इस रिएक्शन के ऊपर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे इसी रिएक्शन के ऊपर ऑन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के ऊपर मैंने आपको चार क्वेश्चन दिए हैं, आप चार के चार क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, यहां पर चार क्वेश्चन है, आप चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इनको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अपना सॉल्यूशन चेक करिए। आई होप आपको क्वेश्चन देख रहा हूं ठीक से, एक नंबर दो नंबर क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन यहां पर, चार नंबर क्वेश्चन यहां पर है, इसका मीनिंग क्या होता है, दो यहां पर CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 और CH3, ठीक है। तो आप आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट कर वीडियो पॉज कर लीजिए, उसका ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन चेक करिए अपना, क्योंकि ये ऐसे एग्जांपल्स हैं, इसमें क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछ लेते हैं स्पेशली जेई मेन पे। तो आते हैं इसमें एडवांस में क्वेश्चन पूछे हुए इसी रिएक्शन को पर, तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर, आपने सॉल्यूशन ट्राई कर लिया हुआ होपफुली उस कंडीशन के बाद, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, डाइकेटोन दिया है,
इसमें हमारा पहला स्टेप है रिएक्शन विद ओजोन, एल्किन आपका बॉन्ड बनेगा, तो जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है यहाँ पर पहला स्टेप है रिएक्शन ऑफ ओजोन से रिएक्शन पहले बनेगा ओजोनाइट, फिर रिडक्शन कर दिया, तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन आपका होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिएक्शन आपका है, तो यहाँ पे क्या देगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पर डाइक्यूटोन, अगर आप नंबरिंग करते हैं एटम्स के ऊपर तो नंबरिंग कर सकते हैं कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पे भी देखिए वही कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये कंपाउंड आपके दिख रहे हैं, अब इसमें हमारे कौन सी रिएक्शन पॉसिबिलिटी हो सकता है, दोनों ग्रुप कीटोन है, इसका मतलब क्या है दोनों का रिएक्टिविटी बराबर होगा, अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, अल्फा कार्बन यहां पर भी है इक्विवेलेंट और यहां पे भी इक्विवेलेंट होंगे, तो दो पॉसिबिलिटी है कि इसमें अल्फा से निकाला अटैक किया यहां पर, तो यहां क्या बनेगा, एक बनेगा 7 नंबर रिंग, गिनती कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है, तो यहां बनेगा आपका 7 मेंबर रिंग, और एक क्या बनेगा अगर हमने थर्ड कार्बन से एच निकाला अटैक किया कार्बन नंबर 7 पे, तो बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, यहां बनेगा 5 मेंबर रिंग, अगर दो रिंग पॉसिबल है, एक रिंग पॉसिबल है 5 मेंबर और एक रिंग पॉसिबल है 7 मेंबर, तो हम किसको देंगे प्रेफरेंस, 5 मेंबर रिंग को हम प्रेफरेंस देंगे ओवर 7 मेंबर रिंग, तो बना लीजिए, तो यहां पर क्या होगा बेस के प्रेजेंस में कार्बन थर्ड से हमने एच निकाल दिया, और क्या बनेगा इसमें न्यूक्लियोफाइल, कार्बन थर्ड पे आपका माइनस चार्ज है और ये जुड़ेगा कार्बन नंबर 7 से, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां बनेगा 5 मेंबर रिंग, बाद में ओ पर माइनस चार्ज आएगा और ओ वाटर से एच लेके क्या बनेगा यहां पे फाइनल प्रोडक्ट, यहां पर हीट करने के पहले एक बनेगा 5 मेंबर रिंग, यहां पे आपको जाएगा OH और यहां पे CH3 भी लगा रहेगा, और ये अगले जो कार्बन होगा यहां पे इस पे रहेगा CO CH3 ग्रुप, अगर आपने नंबरिंग किया हुआ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कार्बन नंबर 3 जुड़ा है कार्बन नंबर 7 से, तो कार्बन 4, 5, 6 क्लियरली विजिबल है, ये हुआ कार्बन नंबर 8 और यहां पे हुआ कार्बन नंबर 2 और ये हुआ कार्बन नंबर 1, ये हमारा कंपाउंड बन गया, इसमें ये था A, ये आपका बन गया B, अब B को हमने हीट किया तो क्या हुआ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, B को हीट करने में क्या हुआ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और क्या आएगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बाद अल्फा कार्बन से हमको H निकालना है और यहां से OH निकालना है, तो क्या हुआ डिहाइड्रेशन होने के बाद रिएक्शन के अंदर बनेगा हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट COCH3, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड और यहां पे एक CH3 अभी भी लगा हुआ है, ये कंपाउंड होगा C, तो एक हमारा सीरीज कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का, A हो गया, B हो गया, C हो गया, आई होप कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, पहले हमने चेक किया अल्फा हाइड्रोजन दो टाइप के हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, ये और ये इक्विवेलेंट है, ये और ये इक्विवेलेंट थे, तो हमने एक अल्फा से निकाल दिया, यहां से क्यों निकाला क्योंकि 5 मेंबर रिंग प्रिफर करते हैं ओवर ए 7 मेंबर रिंग, और फिर उसका अटैक कराएंगे, ये बनेगा उसके बाद ये हमारा बनेगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट, आई होप एग्जांपल क्लियर हुआ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसमें आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं पूरा आपको कंफ्यूज ना हो कहीं पे, इसलिए देखिए यहां पर क्या होगा अगले केस में, यहां भी सेम टाइप का रिएक्शन है, जब हम कंपाउंड डी बनाएंगे तो डी क्या होगा, इसी रिएक्शन को हमने किया ओजोनाइज किया तो आपका डी बनेगा, अब यहां पे अल्फा कार्बन कहां कहां पर है, यहां भी अल्फा कार्बन है, यहां भी अल्फा कार्बन है, यहां भी अल्फा कार्बन है,
तो यहाँ पे तीन रिएक्शंस पॉसिबल होगा, यहाँ से अल्फा एच निकाला अटैक किया, यहाँ से अल्फा एच निकाला अटैक किया सेकंड, यहाँ से अल्फा एच निकाला यहाँ पर अटैक किया थर्ड रिएक्शन, यहाँ पर तीन रिएक्शंस यहाँ पॉसिबल थी। अब कौन से रिएक्शन को हम चूज करें इस केस में, ये आपका आएगा डाउट या कंफ्यूजन। तो अगर एक ग्रुप कीटोन है और एक ग्रुप अल्डिहाइड है, एक ग्रुप कीटोन है और एक ग्रुप अल्डिहाइड है, तो हम क्या देखते हैं, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इस पॉइंट को हम देंगे पहले प्रायोरिटी। तो मीनिंग क्या है, अल्फा एच यहां से निकालो जो यहां से निकालो और वही अटैक करेंगे इस अल्डिहाइड ग्रुप में, ये अल्फा एच का रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। समझ में आया, पहला पॉइंट देखते हैं। अगर ग्रुप दो है, डिफरेंट ग्रुप है, एक ग्रुप अल्डिहाइड है एक ग्रुप कीटोन है, तो हम देखते हैं अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, तो हमको देखना है कि अल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक होना चाहिए अल्फा कार्बन निकालने के बाद जो बनता है कार्बन आयन उसका, सिंस अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। अब एक हुआ ये पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट, यहां बनेगा 5 मेंबर रिंग, यहां बनेगा 7 मेंबर रिंग, तो अगर दो रिंग बनते हैं तो किस रिंग को हम प्रिफर करेंगे, एक 5 मेंबर रिंग को हम प्रिफर करते हैं ओवर ए 7 मेंबर रिंग, एंट्रोपी बड़ा ज्यादा होता है बिगर रिंग के अंदर, इसलिए। तो इस केस का मीनिंग क्या होगा, फाइनली ओ एच नेगेटिव आयन यहां से अल्फा एच को निकालेंगे और क्या बनेगा इस केस में, न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे इस पोजीशन पर, और फिर वो कार्बन आयन होगा अटैक करेगा इस सी एच ओ ग्रुप में, ओ माइनस आएगा और बाद में वाटर से एच ले दे देंगे इसको, तो ओ एच लगा लो डायरेक्ट यहां पर, और यहां पर क्या रहेगा सी ओ सी एच थ्री ग्रुप। बहुत सिंपल है, अगर आपको डाउट होता है नंबर कर लीजिए फिर से एक बार, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन नंबर 3 जॉइंट टू कार्बन नंबर 7, 7 पे आएगा OH ग्रुप, कार्बन 3 4 5 6, ये था कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 1, ये हमारा कंपाउंड बन गया था डी, ये हमारा बन गया कंपाउंड ई। अब आते हैं एफ, एफ क्या हुआ, डिहाइड्रेशन करते हैं डीप करने पर, तो सेम यहां से अल्फा कार्बन से ही एच निकालना है हमको और यहां से ओएच निकाल देंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन के अंदर, फाइनली सीओ सी एच थ्री, तो ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट यहां पे फाइनली एफ। तो ये हमारा सीरीज कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। समझ में आया कि नहीं आया, अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और अगर आपका दो साइड पे दो टाइप रिंग पॉसिबल है, 5 6 7 नंबर रिंग, तीन टाइप रिंग पॉसिबल है, प्रेफरेंस हम देंगे 6 मेंबर रिंग को ज्यादा देते हैं, फिर 5 मेंबर रिंग को, उसके बाद देते हैं प्रेफरेंस फॉर द 7 मेंबर रिंग। ये एग्जांपल हुआ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। समझ में आया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड में क्या है, पहले हमारा दिया है 5 मेंबर रिंग दिया है इसमें, सी एच थ्री ग्रुप है, जब इसको हम ब्रेक करते हैं ओजोन के प्रेजेंस में, तो यहां पे क्या बनेगा, रिंग ओपन होगा सी एच थ्री सीओ सी एच टू सी एच टू सी एच टू, कार्बन आपका 1 2 3 4 5 6, कार्बन 1 2 3 4 5 6, सिक्स पे क्या होगा सी एच ओ ग्रुप होगा। अब यहां पर कौन से रिएक्शंस पॉसिबल होंगे, अब हमारे एक ग्रुप अल्डिहाइड है एक ग्रुप कीटोन है, एक ग्रुप अल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, तो इसका मीनिंग इसका अटैक यहां पे पॉसिबल नहीं होगा, खाली अटैक यहां पे पॉसिबल होगा या यहां पे पॉसिबल होगा, मतलब तीन अल्फा कार्बन थे तो ये रिएक्शन हम हटा देते हैं क्योंकि ये अटैक नहीं होगा क्योंकि कीटोन ग्रुप है। अब दो अटैक बचे, एक यहां पे रिएक्शन होगा एक यहां पे रिएक्शन होगा, यहां क्या बनेगा 1 2 3 4, यहां बनेगा 4 मेंबर्ड रिंग, उसमें क्या होता है हाई एंगल स्ट्रेन फॉर्मेशंस का फेवर नहीं करते हैं, और यहां क्या बनेगा 1 2 3 6 मेंबर रिंग दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, तो 6 मेंबर रिंग
हमारा प्रिफर होगा बिकॉज 6 मेंबर रिंग का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है 5 मेंबर रिंग से, या 4 मेंबर रिंग तो बनेगा नहीं, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। तो हमारा जो बेस होगा यहाँ पर OH नेगेटिव आयन, यहां से आपके लेंगे हाइड्रोजन प्लस को कार्बन नंबर 1 से। मैं इसको यहां लिखता हूं, लिख लेता हूं CO CH2 माइनस 1 2 3 4 5 6। इसका अटैक होगा एल्डिहाइड ग्रुप में और बाद में वाटर से H लेने के बाद OH निकाल लेंगे तो OH को पाएगा, यहां बनेगा कितना 6 मेंबर रिंग बन जाएगा आपका। यहां पे ड्रॉइंग 6 मेंबर रिंग, नंबरिंग कर लो एटम पे 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे कार्बन नंबर 1 था, कार्बन 2 पे कीटोन ग्रुप रहेगा 3 4 5 6, 6 भी क्या रहेगा इसमें भी आपका OH ग्रुप। ये प्रोडक्ट था बिफोर डिहाइड्रेशन, लेकिन हमने इसको हीट भी कर दिया है तो क्या हुआ, हीट करने के बाद इसी अल्फा कार्बन से H निकाल रहे हैं, यहां से OH निकाल देंगे और इस रिएक्शन में ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। देखिए सब केस में प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड सब में वही बन रहा है। तो यहां पे ये हमारा प्रोडक्ट हो गया इसमें एच, और ये हमारा प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन के अंदर जी। समझ में आया? तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। 4 में क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप और होगा, तो 4 में आपका मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे, यहां पे हमारा क्या बनेगा, पहले प्रोडक्ट आई तो बना ही लेंगे इसमें, सी पर कीटोन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7, 7 एटम्स है इसमें, 5 + 2 7 एटम्स है। यहां भी रिएक्शन ऐसे होगा तो ये हमारा आई बनेगा और उसका क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट लास्ट में, इस टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे। इस कार्बन के पास जो बीटा था कार्बन 6 वहां पे एक OH ग्रुप और भी था तो वहां पे एल्कीन बॉन्ड रहेगा लेकिन CH3 अभी भी रहेगा। इस रिएक्शन के अंदर ये हमारा आएगा प्रोडक्ट जे। तो ये हमारा सीरीज कंप्लीट होता है, सारे कंपाउंड होंगे इसमें। तो आपने क्या सीखा यहां से यहां तक अभी लिखने में, पहले देखा हमने एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, एक पॉइंट। फिर होता है अगर तीन टाइप के रिंग पॉसिबल हैं तो उसमें आप ध्यान रखते हैं रिंग फॉर्मेशन का। यहाँ पे 6 मेंबर रिंग प्रेफर किया, 4 मेंबर रिंग या 3 मेंबर रिंग नहीं बनता है, कम से कम बनना चाहिए इस रिएक्शन के अंदर 5 मेंबर रिंग या उससे बड़ा रिंग। अगर 5 और 7 रिंग मेंबर रिंग पॉसिबल होगा तो हम प्रेफर करते हैं 5 मेंबर रिंग को बनाने का, बिकॉज जितना रिंग बढ़ाते रहेंगे साइज एंगल उसमें क्या होता है एंट्रोपी वजह से, कंपेयर टू 7 मेंबर रिंग एक 5 मेंबर रिंग को हम प्रेफर करते हैं इस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं उसके बाद हम आते हैं अगला रिएक्शन पे। हमारे पास एक कंपाउंड दिया है इसका भी रिएक्शन सेम करते हैं, पहले ओजोन से रिएक्शन किया डाइमिथाइल सल्फाइड के प्रेजेंस में, ए हमको देगा ए, और फिर इसका हमने रिएक्शन कर दिया डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीट, मतलब लेट्स से बी और सी बनाते हैं, हीट का सी बनेगा। तो हमको तीनों ही कंपाउंड चेक करने हैं, तो इसको आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए फ्रॉम योर साइड, फिर आते हैं इसका आंसर पे। ट्राई कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी हमने यहाँ पे पहले बॉन्ड को ब्रेक करना है ओजोन के प्रेजेंस में, व्हेन दिस कंपाउंड इज ओजोनाइज तो क्या आपको देगा डाइकीटोन, यहां से आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक डबल सी डबल बॉन्ड हो यहां पे, एक यहां पे बनाएंगे, मैंने नीचे ऊपर कर दिया देखने आपको सुविधा होगा, ये हमारा बन गया कंपाउंड ए। अब ए में क्या है, सारे के सारे अल्फा एच इक्विवेलेंट हैं, कहीं से निकाल लिया, यहां से यहां से यहां से चार अल्फा पोजीशंस हैं, सारे ही अल्फा पोजीशंस इक्विवेलेंट होंगे। तो अगर हमने डाइल्यूट NaOH में क्या करना है, एक अल्फा एच को निकालना होगा और क्या बनेगा इसमें कार्बन आयन, और उसका रिएक्शन होगा सेकंड पोजीशन पर, और बाद में वाटर से H लेने के बाद क्या बनेगा OH ग्रुप आ जाएगा और यहां बन जाएगा एक बन जाएगा यहां पर 7 मेंबर रिंग
और एक बन जाएगा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे दो टाइप के रिंग बनेंगे, एक आपका बनेगा 5 मेंबर रिंग और एक आपका बन जाएगा 7 मेंबर रिंग, बन गया। इसमें कितने एटम्स हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग। अब यहाँ पर इस पोजिशन को हमने अटैच किया तो यहाँ पे OH ग्रुप हो जाएगा और इस पे तो कुछ ग्रुप है नहीं, यहाँ पे क्रिप्टॉन ग्रुप रहेगा स्पेस अंदर। इस केस में अगर आप नंबरिंग करते हैं एटम पे, कंफ्यूजन अगर है किसी बच्चे को तो नंबरिंग कर लो, आपको सुविधा रहेगा। ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कार्बन नंबर 1 जोड़ा कार्बन नंबर 5 से, बन गया 5 मेंबर रिंग। फिर 2 3 4 और यहाँ पे क्या है 6 7 8 9 10, ये हमारा कंपाउंड बन गया B। अब B को हीट कर दिया तो अगला पॉइंट सेम होता है, अल्फा कार्बन से हमको H निकालने हैं और यहां से OH निकाल देंगे, तो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट फाइनली रिएक्शन के अंदर, एक आपका यहां पर आएगा डबल बॉन्ड और यहां पे आपका रहेगा 7 मेंबर रिंग। गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, बन गया। यहां भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड विल बी द रिएक्शन प्रोडक्ट। तो ये हमारा कंपाउंड बी था और ये कंपाउंड हमारा सी बन जाएगा। तो सब बेसिक पॉइंट सेम है रिएक्शन के अंदर, अगर आप बेसिक पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए काफी इजी रहेगा इस टॉपिक में, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन खत्म करते हैं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हमारा अगला रिएक्शन आते हैं उस पर आते हैं।